हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इंस्टेंट फ्राइड मोदक की रेसिपी। ये मोदक हम बनाने वाले बिना सांचे के, और सबसे खास बात, आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं आराम से 15 दिन तक, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो आप एक बार ये गेहूं के आटे से बने हुए फ्राइड मोदक जरूर ट्राई करें। बिल्कुल भी ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, ना ही फ्राई करते टाइम खुलेंगे, एकदम इंस्टेंट रेसिपी हो। ये देखिए टेक्स्चर बहुत बढ़िया, टेस्ट में बहुत यमी बनते हैं। तो इस गणेश चतुर्थी में आप ये फ्राइड मोदक जरूर ट्राई करें। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम आधा चम्मच घी गर्म कर लेंगे। जैसे घी गर्म होगा, हम इसमें काजू बादाम किशमिश डाल देंगे। साथ में नारियल का बुरादा मैं डाल रही हूँ आधा कप। इन सारी चीजों को हम अच्छे से भून लेंगे। नारियल का बुरादा, अगर आपके पास ये ड्राई वाला नहीं है तो आप ताजा नारियल को भी घिस के बना सकते हैं बुरादा। और ये देखिए ये सारी चीजें अच्छे से फ्राई हो गई। इन्हें निकाल के रखते हैं और साइड में दूध लिया, इसमें जाएगी आधा कप चीनी। अब हम चीनी को मेल्ट करेंगे। दूध हमने पहले से पका हुआ यूज किया है, तो हमें इसका जैसे कि कंडेंस मिल्क रहता है बिल्कुल वैसे ही चाहिए। तो इसे थोड़ा टाइम हम पका लेते हैं जब तक कि चीनी जो है मेल्ट नहीं हो जाती। फ्लेम मीडियम रखिएगा। और ये देखिए चीनी मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे 3 चम्मच मिल्क पाउडर डाला मैंने। अच्छे से मिलाएंगे जिससे कि लम्स ना आए, क्योंकि मिल्क पाउडर गर्म दूध में डालते ही इसमें लम्स बनने शुरू हो जाते हैं, इसीलिए आपको कंटिन्यू स्टर करते रहना है। और अब हम इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तो इसे अब मीडियम फ्लेम पर अच्छे से चलाते हुए पकाते जाएं। बीच में जरूरत पड़े तो 1 चम्मच घी भी यूज कर सकते हैं। और ये देखिए करीबन 8 से 9 मिनट का टाइम लगेगा। और ये देखिए एकदम हमारा टेक्सचर जो है वो रबड़ीदार हो गया। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स मिला देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारा मिक्सचर है उसमें मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, यानी नमी नहीं रहना चाहिए। अच्छे से आपको इसे भून लेना है। जब ये एकदम ड्राई हो जाएगा तब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे, इसे ठंडा होने को छोड़ देंगे। अब हम डो लगा लेते हैं। डो लगाने के लिए 1 कप गेहूं का आटा, आधा कप मैदा लेंगे। मैदे से बाइंडिंग काफी अच्छी आती है, इसीलिए मैं मैदे का यूज करी हूँ। आप चाहें तो सिर्फ गेहूं के आटे से भी मोदक बना सकते हैं। अब हम इसमें आधा चम्मच घी डालेंगे। आपको ज्यादा घी का यूज नहीं करना है, थोड़ा ही घी डालिएगा आधा चम्मच। अच्छे से मिलाने के बाद इसका एक डो लगा लेंगे। डो हमें नॉर्मल लगाना है, ज्यादा हार्ड डो नहीं लगता है इसका, ना ही बहुत ज्यादा आपको सॉफ्ट डो लगाना है, वरना आपके मोदक फ्राई करते टाइम फूलेंगे। कुछ टिप्स का आपको ध्यान रखना है, फिर आपके मोदक बना के देखिए बहुत बढ़िया बनेंगे। तो हल्के हाथ से हम इसे आटे को एकदम चिकना कर लेंगे और इसे गूंद के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा डो लग के एकदम तैयार है। इसे अब हम रख देते हैं 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट बाद ये देखिए डो एकदम चिकना हो गया, स्टफिंग भी ठंडी हो गई। अब चलते हैं मोदक बनाने के प्रोसेस में। मोदक बनाने से पहले हम इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स तोड़ लेंगे। तो ये देखिए इस तरह की बिल्कुल छोटी तोड़नी है, जैसे हम गुजिया वगैरह के लिए तोड़ते हैं बिल्कुल वैसी। थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसे पूरी के बराबर हम बेल लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना, चारों तरफ आपको घुमाकर बेलना है, एक साइड प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए आप अच्छे से बेल लिया। अब हम बीच में इसकी स्टफिंग भरेंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ बिना सांचे के मोदक कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमें इसमें जो साइड्स हैं उन्हें फोल्ड करते जाना है इस तरह से। देखिए बहुत आसान है, अच्छे से पैक करिएगा जिससे कि ये फ्राई करते टाइम खुले नहीं। जो तो चारों तरफ इस तरीके से हम बिल्कुल जैसे फ्लावर डिजाइन रहती है बिल्कुल वैसे बना लिए। अब हम साइड में लगा देंगे पानी, और पानी लगाने के बाद इसे हम अच्छे से इस तरीके से पैक कर देंगे घुमाते हुए। तो ये देखिए इस तरह से अच्छे से एकदम पैक कर दीजिए, तब ये बिल्कुल भी नहीं फूलेंगे। और ये हमारे मोदक बन के तैयार है। ये देखिए कितने बढ़िया दिख रहे हैं बिना सांचे के। तो चलिए फ्राई कर लेते हैं इन्हें। फ्राई करने के लिए ऑयल हमने गर्म कर लिया, फ्लेम को मीडियम रखेंगे और अब ये मोदक डालेंगे। फ्राई करने में भी काफी ट्रिक्स का आपको ध्यान रखना है। पहली ट्रिक, ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने दे, फ्लेम को मीडियम रखें। दूसरी चीज, आपको मोदक जो है वो सीधे करके डालें, उल्टा मोदक नहीं जाना चाहिए वरना वो खुल जाएगा। और अब हम चम्मच से ऑयल डालेंगे और इन्हें घुमाते रहेंगे। जब ये अच्छे से सिक जाएंगे, इनकी जो सरफेस है वो थोड़ी सी कड़क हो जाएगी, तब हम इन्हें पलटना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए आप इस तरीके से सेकी का जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है, मोदक खुल जाते हैं, बबल्स पड़ जाते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं आएंगी।
अब हम इन्हें पलटते हुए सेंक लेंगे जब तक कि इनमें बहुत बड़े गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। तो ये देखिए बहुत बढ़िया सा कलर आ गया। अब मोदक निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे इंस्टेंट आटे के फ्राइड मोदक बन के तैयार है। डिजाइन देख सकते हैं कितनी बढ़िया आई है, बिना सांचे के काफी कम इनने ऑयल एब्जॉर्ब किया है। देख सकते कितने बढ़िया बने हैं। और ये देखिए एकदम इंस्टेंट, बिल्कुल भी ऑयल भी नहीं सोखा। तो आप एक बार ये मोदक बना के जरूर ट्राई करें। गणेश चतुर्थी में आपके फ्रेंड्स और फैमिली में सबको बहुत पसंद आएंगे। और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए गुड बाय।